बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुफक्कर आफाक लाशारी एन इल्मे सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि कुछ कैंडिडेट्स का ये एक डैशबोर्ड का मसला था कि भाई हमें जो दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड में वो ये है कि चालान जो है वो एक्सपायर्ड हो रहा है। डेट मीन्स एक्सपायर्ड लिख के, मतलब कि यहाँ पे नोट है कि भाई चालान आपका जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। तो दूसरी बात ये कि ओरिएंटेशन डे पे भी कुछ लोग जो है उनका कन्फ्यूजन है कि भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं कि ओरिएंटेशन डे का क्या मकसद होता है, वो कैसे होता है, क्यों होगा। पूरी डिटेल जो है उसकी अभी मैं उसकी डिटेल नहीं दे रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और उसके बाद बात थी, अब याद नहीं आ रही, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स थी, उस हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा बता चलूँ कि भाई जिसका भी मसला डैशबोर्ड में चालान एक्सपायर्ड लिखा रहा है, मतलब कि नोट लिखा रहा है कि भाई आपका जो चालान है वो एक्सपायर्ड है, उसका एक ही मकसद होता है कि भाई आपका चालान जो है वो पेड तो हो गया है। डैट मीन्स उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो चालान जो एक्सपायर्ड हो चुका है उसमें वहाँ पे आप लोगों को पेड मतलब के लिख के आएगा भाई पेड हो गया है, ठीक है। तो इसका कोई इशू ऐसा नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि भाई सर इस पे वीडियो बना दें ताकि दूसरों को भी जो कन्फ्यूजन होती है, जिसका भी जो डैशबोर्ड में ये मसला है तो ये आप क्लियर कर दें कि भाई उसमें ये कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सिंपल बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं जिसमें आप लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई डैशबोर्ड में चालान एक्सपायर्ड है, हमने पेड भी कर दिया है, अभी भी मसला है। ये मसला नहीं है मेरे भाई, मेरे जान, ये मसला नहीं है। थोड़ा बात को समझें, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद ओरिएंटेशन डे जो है वो आपका कहाँ होगा, कब होगा, तो एक थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा समझ लें। पहले ये ऐसा होता था कि ओरिएंटेशन डे 15 दिन के बाद होता था, ठीक है, 15 दिन, 20 दिन के बाद, या एक हफ्ते के बाद, या 2 वीक के बाद, जैसे कि 19 में हुआ, 20 बैच में हुआ, 18 में हुआ, ऐसे होता है। और हर बैच के लिए लाजिमन होता है कि ओरिएंटेशन डे क्या है। ओरिएंटेशन डे एक्चुअली होता है जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस भी स्कूल में आप लोग जाते हैं, उसमें एक चीज़ मेंशन करवाते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी, हमारे स्कूल, हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर्स, यहाँ के रहनी कहनी, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा है, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो आप लोगों को सिंपल यही बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कौन सी क्वालिटी है जिसमें आप लोग पढ़ना आ रहे हैं, मतलब पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ओरिएंटेशन डे आप लोगों को क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाता है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, पॉजिटिविटी बताई जाती है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग के आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स होते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं, मुख्तलिफ गाइडेंस होते हैं, आप लोगों को सिंपल वो गाइड करते हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन डे पे और जो डैशबोर्ड का मसला है, तो ये काइंडली थोड़ा अभी इनसे अवेयर हो जाए। और दूसरी बात इसी जो मुझे, मैं भूल गया था, वो ये थी कि बुक्स का क्या होगा, ये भी एक इशू था जो आप लोग जाहिर सी बात है पूछ रहे हैं ना, वही हम आप लोगों को रिप्लाई करते हैं। तो उसका ये मकसद है, आप लोगों को कोई कोर्स जो है वो परचेज बाय से नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि भाई इंटर में था, फर्स्ट ईयर में था, 9th मैट्रिक में था कि भाई 5 बुक लेने पड़ेंगे, यहाँ से ले या वहाँ से लेने पड़ेंगे, आपको ये पढ़ना है। वो डिपेंड करता है टीचर्स पे कि वो आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, तकरीबन एक सेमेस्टर के तकरीबन 5-6 तकरीबन 20 या 30 के नोट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें हम लेक्चर्स देते हैं और आप लोगों का जो टर्म होगा, जो सेमेस्टर होगा इसमें होगा, या बुक रिफ़र करते हैं, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है। कोई ऐसे तकरीबन बुक्स नहीं देते। और जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, PS, मैथ, इंग्लिश, ये सारे होते हैं, तो इंग्लिश का भी बुक होता है, इस्लामियात का भी होता है, या फिर ऐसे मैथ का जो है वो जनरली फर्स्ट ईयर से आप लोगों को पढ़ाते हैं, मैथ का एक सेमेस्टर होता है या 2, ठीक है, मेडिकल के हिसाब से जो नेचुरल साइंस में है। तो इस हिसाब से कुछ नोट्स या फिर ऐसे कुछ जो बुक्स हैं, 1-2 आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको बुक्स की लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। जब तक आपको टीचर्स कोई रेफ़र करता है तो देन आप कुछ लेना है, अदरवाइज आपको बुक्स वगैरह नहीं लेने, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो कुछ कैंडिडेट्स का ये इशू था, मैंने सोचा कि पूछ रहे थे कि बार बार सर इस पे वीडियो बना दें, इस पे वीडियो बना दें, मैंने कोशिश की ताकि उनका जो कन्फ्यूजन है, जाहिर सी बात है आपकी जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारी कन्फ्यूजन होती है,
जो आपको प्रॉब्लम होता है वो हमारा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को सिंपल बता दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप सपोर्ट इल्मे सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक से जो है ना पैसे खर्च नहीं होते। ठीक है, खुदा हाफिज़।